नमस्कार, मैं सचिन कुंडलिक देसाई। मैं कोल्हापुर जिले में विद्या मंदिर भाषा जमोला इस ग्रामीण क्षेत्र के एक जिला परिषद स्कूल में काम करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल से कोरोना आपत्ति के कारण हमारा स्कूल बंद है, फिर भी हमारी शिक्षा चालू रहनी चाहिए, हमारे छात्र शिक्षा से जुड़े रहने चाहिए, इसलिए हम सारे मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमने भी कुछ स्कूल में प्रयास किए और वो सफल रहे और उनका अच्छा परिणाम छात्रों में दिखाई दिया गया। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमने कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम्स अरेंज किए, साथ में अन्य प्रयास भी किए। ऑफलाइन में से वी आर लिटिल टीचर जैसा प्रोग्राम है, वो पिछले साल स्टेट लेवल के लिए नॉमिनेट हुआ था। और इस इनोवेटिव प्रोग्राम में हमने कुछ छात्रों को लिटिल टीचर की भूमिका दी, यानी लीडरशिप की भूमिका दी। और इस लिटिल टीचर के माध्यम से उसके आसपास रहने वाले छात्रों तक हम शिक्षा पहुंचा सके। उच्च कक्षा का जो छात्र है उसको हमने लिटिल टीचर या शिक्षक मित्र संबोधित किया और इस प्रकार छात्रों के ग्रुप बनाकर सुरक्षित वातावरण में लिटिल टीचर के लीडरशिप में हमने शिक्षा शुरू रखने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए पेरेंट्स का भी अच्छा सहयोग जरूरी था और यह प्रोग्राम बहुत ही एंजॉयफुल रहा। और ये सभी प्रोग्राम चाइल्ड सेंटर्ड था, बच्चों ने खुद इसमें पार्टिसिपेट होकर अच्छी तरह अपना रोल निभाया। इस प्रकार उनमें शिक्षा के साथ बहुत पर्सनैलिटी की भी डेवलपमेंट दिखाई गई। उसी के साथ मैंने एक ऑनलाइन वेब सीरीज़ का भी निर्माण किया, मेरी ऑनलाइन पाठशाला हैप्पी लर्निंग एट होम। इसके माध्यम से मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियोस बनाए, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट बनाए और सरल रूप से बच्चों तक इस वेब सीरीज़ के माध्यम से जो कुछ कठिन कंटेंट थे उनको सरलता से समझाया और उनकी इवेल्यूएशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी बनाए। और ना सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया बल्कि मुझे गर्व है कि पूरे राज्य के छात्रों ने भी इस सीरीज़ का, इस सीरीज़ में बनाए गए वीडियोस और टेस्ट का भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। उसी के साथ और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले हमने स्कूल की डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था। कि जो जब मैं इस स्कूल में ज्वाइन हुआ था तब एक मैंने देखा था कि एक स्कूल एक खंडर के रूप में है, और ज्वाइन होने के बाद मैंने इसी बदलाव की शुरुआत की थी उसमें, और उसके लिए मैंने पूरे गांव का समाज की सहायता ली थी। लेकिन कोरोना की आपत्ति आ गई, फिर भी हमने हार न मानकर हमारा जो स्कूल का विकास कार्य है वो निरंतर रखा। समाज का सहयोग मिलता रहा, लोगों ने बहुत लगभग 100 से अधिक दिन श्रमदान किया और इस माध्यम से हम लगभग 10 लाख से अधिक सहायता स्कूल के लिए हम प्राप्त कर सके। और सबसे गर्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कूल एक खंडर था वो आज एक आइडिया स्कूल बन चुका है, एक स्मार्ट स्कूल बन चुका है। और ऐसा एक ऐतिहासिक परिवर्तन कोरोना काल में देखकर देश भर के टीचर्स ने हमें ऑनलाइन सहायता भी भेजी है और एक नई मिसाल निर्माण की है। और इस प्रकार कोरोना काल होते हुए भी हमने एक स्कूल का भी अच्छा रूप देने का प्रयास किया। इसके बारे में बहुत टीचर्स के वेबिनार में मैंने मार्गदर्शन भी किया है, जानकारी भी दी है। इसी के साथ मैंने पहली कक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें पहली कक्षा के लिए विविध प्रकार के इनोवेटिव प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने अन्य टीचर्स को भी मोटिवेट करने का प्रयास किया। और इसी दौरान हमने बहुत कुछ बच्चों के लिए कंपटीशन हो या प्रोग्राम्स हो अरेंज किए, जैसे खेती के संबंध में हो या स्पीच डेवलपमेंट के लिए हो या आर्ट के संबंध में हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के हमने कंपटीशन और प्रोग्राम भी अरेंज किए, जिसके माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति भी लगाव रहा और उनमें अदर एक्टिविटीज़ में भी दिलचस्पी निर्माण हुई। और वो घर में रहते हुए भी शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो चुके।
और इस प्रकार हमने इस कोरोना के आपत्ति काल में भी मोटिवेशनल काम किया है।